Now we have question number 19 and question number 20 of exercise 7.6. First of all, I am taking question number 19 and I have I e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square dx. I am using the same technique I have used earlier question. See here, e to the power x ki multiply dono ke saath aapki hai. Now I can put e to the power x dot 1 by x equal to t. And when I differentiate both sides with respect to x, I will use here the product rule. First function, differentiation of second function and plus second function and differentiation of first function equal to dt by dx. In this way, I will get, if I take e to the power x common from both the element, I will get e to the power x 1 upon x here and minus 1 upon x square dx equal to dt. It means in place of e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square dx, I can write only dt. So I have now 1 dt, and when I integrate the 1, you know very well it is t plus c, and putting the t value back, I have e to the power x dot 1 upon x plus c, that is e to the power x upon x plus c. That's the required answer. Now I am taking the next question, question number 20. And in question number 20, I will also use the same technique and the same method. Okay, let's start. We have question number 20. Here, I x minus 3 e to the power x and x minus 1 cube. इसके लिए आपको थोड़ा सा एक 12th के स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से आपको सोचना होगा. आप 3 को सोचिए जरा. आप 3 को इस टर्म में बना सकते हैं डेफिनेटली. किस तरह से आप इसे ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सेम वही ऑप्शन है, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सा जो लॉजिक है वो काफी अच्छा हो गया है. नाउ आई कैन यूज टू फ्रैक्शन हियर, x माइनस 1 बार अपॉन ये और माइनस 2 अपॉन ये, और e टू द पावर x की तो मल्टीप्लाई है ही. e टू द पावर x को मैंने यहां पे रखा हुआ है, और पहले मैंने ये ले लिया जी x माइनस 1, x माइनस 1 की क्यूब. ओके ठीक है ब्रदर. अब आगे देखो, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 क्यूब, और हमारे पास ये ऑप्शन आ गया. अब जरा यहां पर आप ध्यान देना, अगर आप यहां पे ध्यान से समझो, x माइनस 1 की पावर 1 होती है ना, और ये 3 पावर थी, एक नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जी, तो नीचे कितने बच गई आपके पास, 2 बच गई. आई बात समझ में. अब क्या हम करेंगे, क्या वी आर यूजिंग द सेम मेथड, हम सेम मेथड यहां पर यूज करेंगे, और मैंने पुट कर ले रहा है, इसको पुट करूंगा जी, मैं यहां पर आपके लिए पुट कर रहा हूं, और मैंने इधर पुट कर लिया है e टू द पावर x, और इसके साथ 1 अपॉन, और हमारे पास है x माइनस 1 स्क्वायर. इसको आप t पुट कर लीजिए, एंड व्हेन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, आई विल गेट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्यूब, एंड प्लस सेकंड फंक्शन x माइनस 1 स्क्वायर e टू द पावर x इक्वल टू dt बाय dx. ओके नाउ टेकिंग e टू द पावर x कॉमन, आई विल गेट 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्यूब dx इक्वल टू dt. इट मींस इन प्लेस ऑफ दिस आई विल पुट dt. तो मैं ये पूरे के पूरे फंक्शन की जगह पे क्या रखूंगा ब्रदर, मैंने यहां पे रख लिया है केवल dt रख लिया है, इसे आप 1 dt मान सकते हैं, एंड व्हेन आई इंटीग्रेट 1 आई विल गेट t plus c. इन दिस वे आई हैव द रिक्वायर्ड आंसर, एंड दिस इज इन दिस फॉर्म माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्यूब. ओके नो दिस वन इज द पुट करा था ना मैंने, तो आप यहाँ पे t की वैल्यूज रखिए, और वो है e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x, आप यहां लिख लीजिए. ओके जो आपका बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है प्लस c, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, माई टीचिंग स्टाइल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.